भाई इसका क्रिकेट का मैच है और हम बहुत लेट है, गाड़ी दौड़ा दो फटाफट। हाँ बिलो सर। ये क्या पहन रहे हो? मेरे पापा तो नहीं पहनते। कोई बात नहीं, रहने देते हैं। सड़क पर गाड़ियों की पीपा पीपा, और इसी के साथ अंकल का फोन बजा। क्या इतने ट्रैफिक में अंकल अपना फोन उठा पाएंगे? हेलो, अच्छा मैं ना अभी ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी पहुँचना है कहीं, तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय, लव यू, बाय। और बहुत फुर्ती के साथ अंकल ने तोड़ा सिग्नल, ये क्या ऊट की अंकल ने लेफ्ट साइड से। लो जी सामने आ गया जी स्टेडियम। देखा, हम सोचते हैं कि ट्रैफिक रूल्स हमें तंग करने के लिए बने, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो हमारा चालान हो जाएगा। शायद इनको ये नहीं पता कि अगर कहीं कोई हमारे साथ भगवान न करे हादसा हो जाता है तो ये सीट बेल्ट ही हमें बचाती है। और ये बात सिर्फ सीट बेल्ट पे लागू नहीं होती, सभी ट्रैफिक रूल्स हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, और गाड़ी चलाते हुए एक बात मेरे जहन में आती है कि ये जो गाड़ी चला रहा है वो कौन है? एक पत्नी का पति है, एक माँ बाप का बच्चा है, या किसी बच्चे का बाप है? वो कौन है? वो एक रिश्तेदार है, उसी ने रिश्ते बनाए और रिश्तों से परिवार बनता है, और एक पल में ये सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और वो पल होता है गाड़ी चलाते हुए सड़क पर ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करना। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज इन रिश्तों को बनाएं, ना कि इनको मिटाएं। आपका काम है रोड पर रहना, ना कि अपने परिवार को रोड पर लेकर आना। जय हिंद।